हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड डिज़ाइनर ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि हम बाज़ार में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं ये चाबी के छल्ले वगैरह, जो कि आप बाज़ार में लेने जाते हो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं इस टाइप से, ये जो लगे हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने एक वीडियो हम इसी पर बना रहे हैं ताकि हम आपको एक अच्छी तरीके से कुछ बना के सिखा सकें। तो सबसे पहले दोस्तों, जिनने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, हमने चाबी का एक पुराना एक छल्ला ले लिया है जो कि आपके घर में वेस्ट पड़ा रहता है, तो आप ले सकते हो। और इस तरीके की पट्टी आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगी, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है। तो हमने तीन तरीके की पट्टी ली है एक चाबी का छल्ला बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने इन तीनों पट्टियों को अपने अपने जितने भी आपको जितनी लंबी रखनी है अपने हिसाब से कट कर लीजिए। हमने तीनों को एक बराबर कट कर लिया है और एक इतना एक्स्ट्रा ही ले लिया है। वो हमने क्यों लिया है वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो दोस्तों, जिन्हें अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं लाइक कमेंट को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कमेंट करने को इसलिए कहता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस तरीके की कटिंग जाननी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि ये एक्स्ट्रा सूते आप देख सकते हो निकल जाते हैं, तो इसको हम कैसे ठीक करें वो आप देख सकते हैं। आप माचिस की तीली एक लीजिए, उसको जलाइए और ये एक्स्ट्रा जो है इनको इस तरीके से करेंगे तो ये अपना आप ही हमारे सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने ये हमने कितने सही तरीके से कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसमें डालेंगे इस तरीके से, इस तरीके से डालने के बाद हम इसको ऐसे रख देंगे और इन सब पट्टियों को बराबर कर लेंगे। करने के बाद अब हम इसको सील देंगे। सीलने के बाद हम इसके जो एक्स्ट्रा तागे हैं ताकि बाद में निकले नहीं, हम इसको उसको भी इस तरीके से ही कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने कर लिया इस तरीके से। अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से। उसको हम इस तरीके से करते हुए सिलाई लगा देंगे। फिर हम इसको कट करके यहाँ से निकाल देंगे। तो दोस्तों, देखा आपने हमने कितना एक अच्छा सा प्यारा सा हमने एक छल्ला बना लिया है। अब हम इसको बैग में डाल लेते हैं। हम इसको इस तरीके से करके यहाँ से करेंगे इसको राउंड 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 शेप करके डालेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा हमने प्यारा सा कितना सा एक अच्छा छल्ला बना लिया है। तो दोस्तों, आए हो आपकी वीडियो पसंद आई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है।
दोस्तों ऐसे भी किसी भी कटिंग के लिए मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।